फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू राइट 11 टू 20 चाइल्ड को कैसे सिखाएं इसकी प्रैक्टिस करना सिखाऊंगी। और इसको राइट फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने चाइल्ड को लर्निंग, रिटर्न एंड रिकॉग्निशन सिखानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस शीट में हम बच्चे को सिखाएंगे 1 1 11 2 1 5 15 तक कैसे लिखना है। तो इसके लिए आप पहले इस तरह से डॉट बना लें और यहाँ लिखें टी और यहाँ ओ। टी मीन्स टेंस, ओ मीन्स वंस। तो जितने भी वंस के नंबर हैं वो यहाँ लिखने हैं और टेंस के टी के नीचे। यहाँ मैं आपको फॉर्मेशन बता देती हूँ कैसे लिखना है। तो टी ओ लिखकर और यहाँ से टी के नीचे टेंस वाले, ओ के नीचे वंस वाले नंबर लिखने हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15। अब इसको एक बार लिखने के रीडिंग प्रैक्टिस कराएंगे 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15। इस शीट में है काउंटिंग 16 टू 20 लिखेंगे हम और टी के नीचे टेंस वाले नंबर, ओ के नीचे वंस वाले नंबर लिखकर स्टार्ट करेंगे 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। इस पैटर्न से हमने 16 टू 20 लिखना है। ये शीट है हमारी 11 टू 20। तो इसमें चाइल्ड सीखेगा कि 11 टू 20 हम कैसे लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ टी के नीचे टेन वाला नंबर 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। अब इसको रिपीट करेंगे हम एक बार। आपका चाइल्ड लाउडली बोलेगा इसे 1 1 11 1 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। इस तरह से आपने आप चाइल्ड को लाउडली बोलने के लिए प्रैक्टिस देनी है। अब नंबर्स की 11 टू 20 तक प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे। उसके बाद बीच बीच में आपने डिक्टेशन की प्रैक्टिस भी करवानी है। तो उसके लिए आप इस पैटर्न से डिक्टेशन भी अपने चाइल्ड को देते रहें। जैसे 11 टू 20 के बीच में आपने नंबर्स बोलने हैं और उसको लिखने के लिए कहें। जैसे हमने बोला 16 16
और चाइल्ड को लिखने के लिए बोले, जैसे 16 मीन्स 1 6 16। अब हमने बोला 20, तो 20 मीन्स 2 0 20। 11 1 1 11, लाइक द राइट हियर 1 1 11। 18 1 8 18। 15 1 5 15. 12 1 2 12। तो इस प्रकार डिक्टेशन की प्रैक्टिस दीजिए, आफ्टर दैट वो रीड करेगा इस पैटर्न से ही। 1 6 16 2 0 20 1 1 11 1 8 18 1 5 15 1 2 12। यहाँ मैंने ये शीट बनाई है जिससे कि इसमें चाइल्ड नंबर्स को काउंट करना सीखेगा और नंबर जो भी काउंट करके आता है उसको यहाँ राइट करेगा। तो इसको हम रीडिंग प्रैक्टिस देते हैं पहले। तो जैसे यहाँ से रीड करना स्टार्ट किया चाइल्ड ने, तो याद रहे आप अपने चाइल्ड को हमेशा प्रॉपर वे में ही रीड करना सिखाएं। ऐसे नहीं कहीं 1 बोल दिया, यहाँ 3 यहाँ 6, ऐसे नहीं, आपने प्रॉपर वे में सिखाना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिंगर रखकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ चाइल्ड से 12 लिखने के लिए बोलेंगे, 1 2 12। ये शीट है मैच विद राइट नंबर, मतलब जो नंबर है उसको सेम नंबर से हमने मैच करना है और साथ में रीड भी करना है। जैसे 1 4 14, तो यहाँ चाइल्ड को सर्च करने के लिए बोले 14 को और मैच करवाएं 1 4 14, तो ये 1 4 14 से मैच होगा। 1 6 16 मैच विद 1 6 16। 1 1 11 मैच विद 1 1 11। तो इससे चाइल्ड की कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी और उसे कोई भी नंबर है उसको रिकॉग्नाइज करने में, सर्च करने में हेल्प मिलेगी। इस शीट में हमने दिखाया है कि नंबर्स को काउंट करके और राइट नंबर पे सर्कल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे काउंट करना। ये कितनी लीव्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें काउंट करना सिखाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 लीव्स हैं, तो चाइल्ड से पूछिए विच नंबर इज 14 और उसे सर्कल करने के लिए कहें। तो यहाँ 1 4 14 14 को हम सर्कल करेंगे। इस प्रकार आप 1 1 11 to 2 0 20 तक की प्रैक्टिस चाइल्ड को रेगुलर कराएंगे तो वो नेचुरली स्टेप बाय स्टेप सीख जाएगा प्ले वे मेथड से ही। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि हमने चाइल्ड को काउंटिंग 11 टू 20 किस पैटर्न से सिखाई। तो आप भी अपने चाइल्ड को इस पैटर्न को फॉलो करते हुए काउंटिंग की प्रैक्टिस दें तो आपका चाइल्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से सीखेगा।